हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और इस वीडियो के अंदर हम एनालाइज कर रहे होंगे मेरे कॉलेज रेज्यूमे को। इस रेज्यूमे को माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न जैसी कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट किया है। ऑल्दो उस टाइम पर मेरा माइक्रोसॉफ्ट का पीपीओ आ गया था, तो फिर अमेज़न वगैरह के लिए मैंने इंटरव्यू नहीं किया। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कुछ कुछ की पॉइंट्स जो आपको डेफिनेटली अपने रेज्यूमे के अंदर करने चाहिए, क्या चीज़ें आपको नहीं रखनी रेज्यूमे के अंदर, क्या क्या टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं इस रेज्यूमे को बनाने के लिए। इसका टेम्पलेट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और वो स्टूडेंट्स जिनका ये डाउट होता है कि उनके पास रेज्यूमे में लिखने के लिए ज्यादा चीजें नहीं है क्योंकि अभी उन्होंने ज्यादा इंटर्नशिप्स नहीं की, तो फिर वो क्या लिखें, कैसे भरें अपने रेज्यूमे को, उनके लिए भी बीच में बात होगी। अब वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी चीज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप एक अच्छे कॉलेज से आ रहे हैं, एक अच्छी ब्रांच से आ रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ी सी मेहनत के बाद भी आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट अच्छी लग रही होगी। लेकिन अगर आप थोड़े से कम अच्छे कॉलेज से भी हैं, थोड़ी सी कम अच्छी ब्रांच से भी हैं और आप ऑफ कैंपस के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आपको जेई की तरह 2 साल मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ आपको इंटरेस्ट है कम्पिटिटिव जैसी चीज़ों में, आपको इंटरेस्ट है अपने प्रोजेक्ट्स में, तो आप उस चीज़ में ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। लेकिन 3 से 4 महीने की एक अच्छी खासी प्रिपरेशन के बाद अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक स्किल थोड़ा सा लैक करते हैं, वो होती है कॉन्फिडेंस की। अपने इंटरव्यूज़ के टाइम पर अगर आपको पता है कि आपने इतना टाइम लगाकर मेहनत की है, उसमें आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाल दें, तो आपको इंटरव्यू क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो कॉन्फिडेंस वाली स्किल होती है, ये आपके इंटरव्यू के साथ साथ आपके रेज्यूमे में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अपनी जो बेस्ट चीज़ें हैं वो आप अपने रेज्यूमे में डालें और कॉन्फिडेंट रहें कि सबसे पहला तो कि आप शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं, दूसरा ये कि आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। क्योंकि जिसने यार मेहनत की होती है ना, उसकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी के टाइम पर आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी मेहनत वहाँ पर कितनी काम आई। तो अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो के अंदर सबसे पहले तो रेज्यूमेज की अगर बात करें, तो आपके रेज्यूमे में यूजुअली 2 टाइप के टेम्पलेट्स होते हैं। एक तो होते हैं सिंगल कॉलम टेम्पलेट्स, जो कि मैंने फॉलो किया अपने रेज्यूमे में। एक होते हैं डबल कॉलम टेम्पलेट्स, जिनमें एक तरफ रेज्यूमे के कुछ लिखा होता है, दूसरी तरफ भी कुछ लिखा होता है। अब इन दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। मैंने सिंगल कॉलम रेज्यूमे इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे वो थोड़ा ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है और मुझे लगा कि मेरी प्रोफाइल के हिसाब से मैं सिंगल कॉलम में रिप्रेजेंट करूँगी, सो दैट सूट्स माय पर्सनालिटी मोर। लेकिन आपको लगता है कि डबल कॉलम आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। अब रेज्यूमे के ऊपर सबसे पहले आना चाहिए आपका नाम। आप अपना नाम लिखिए रेज्यूमे के ऊपर एंड उसके बाद लिखिए अपना ईमेल और अपना फ़ोन नंबर। तो जितनी भी आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो आप टॉप ऑफ द रेज्यूमे पर लिखिए। अगर आपकी कंपेटिटिव प्रोफाइल्स में बहुत अच्छी जो है रैंक्स हैं, बहुत अच्छे कॉन्टेस्ट आपने क्लियर कर रखे हैं, तो वो आप टॉप ऑफ द रेज्यूमे में लिखिए। अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, आपकी गिटहब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, वो टॉप ऑफ द रेज्यूमे में लिखिए। उस टाइम पर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था कि मुझे टॉप ऑफ द पेज पर अपना जीमेल और फ़ोन नंबर देना था। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी कंपेटिटिव प्रोफाइल्स या बाकी सोशल प्रोफाइल्स ज़्यादा अच्छी हैं इन टर्म्स ऑफ वो आपको एज अ कोडर कैसे रिप्रेजेंट करती हैं या फिर आपके प्रोजेक्ट्स कैसे दिखा पाते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली उनको टॉप पे लिखिए, वो एक अच्छी बात ही है। अब इसके बाद आपके पास चॉइस आती है कि क्या आप अपनी एजुकेशन ऊपर लिखें या फिर आप अपना एक्सपीरियंस ऊपर लिखें। तो इसमें ये चॉइस आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास इंटर्नशिप्स का, फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो आप एक्सपीरियंस वाले सेक्शन को ऊपर लिखें, या फिर बहुत नोन कंपनी में आपकी कोई इंटर्नशिप रही है तो आप एक्सपीरियंस को ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बेस्ट चीज़ें अपने बारे में सबसे ऊपर हाईलाइट करनी है। लेकिन अगर आपका एजुकेशन सेक्शन ज़्यादा पावरफुल है, अगर आपके वहाँ पर ग्रेड ज़्यादा अच्छे हैं, कॉलेज ज़्यादा अच्छा है, स्कूल बहुत अच्छा था, उसमें मार्क्स बहुत अच्छे थे, और आपको लगता है कि आपके एक्सपीरियंस से बेटर आपका एकेडमिक सेक्शन रहेगा, तो आप डेफिनेटली उस सेक्शन को ऊपर लेकर आएँ। तो यहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस सेक्शन को ऊपर रखा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने बहुत ज़्यादा जो है बुलेट पॉइंट्स यूज़ किए हैं। तो रेज्यूमे के अंदर आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने पड़ते, आपको बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में कंसाइज इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि रिक्रूटर सिर्फ 7 सेकंड देता है ऑन एन एवरेज आपका रेज्यूमे पढ़ने में, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारी चीज़ें पढ़ पाएँ। वो क्या करेंगे, आपका बुलेट बाय बुलेट आपके पॉइंट्स पढ़ेंगे एंड उसमें कुछ मेजर मेजर पॉइंट्स, मेजर मेजर वर्ड्स वो देख रहे होंगे। अगर उनको कोई वर्ड्स अच्छे लग रहे हैं तो वो आपका रेज्यूमे सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। इसीलिए आपके बारे में जो बेस्ट चीज़ें हैं वो आपको टॉप ऑफ द पेज पर रखनी है।
ऑल्सो ये जो रेज्यूमे है ये एक सिंगल पेज रेज्यूमे है। अब काफ़ी सारे लोग आपको कह सकते हैं कि आप दो पेज तीन पेज का भी रेज्यूमे बनाएं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सिंगल पेज के रेज्यूमे तक जाएं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, आप चाहे दो पेज का रेज्यूमे दें तीन पेज का रेज्यूमे दें, लेकिन अगर आप वन पेज का रेज्यूमे देते हैं तो वो ज़्यादा नीट एंड क्लीन, ज़्यादा प्रोफेशनल होता है। पर बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो लाइन के दूसरी तरफ लाई करती है, यानी वो कहेंगे कि अगर वन पेज के रेज्यूमे से बड़ी लेंथ है तो फिर वो रिजेक्ट कर देंगे उन रेज्यूमेज को। तो हमें हमेशा सेफ प्ले करना है, अपने रेज्यूमे को रिजेक्ट होने से रोकना है, सिंगल पेज का रेज्यूमे हमेशा बनाना है, बुलेट पॉइंट्स उसमें डालने हैं, एक भी इररेलेवेंट डिटेल नहीं डालनी, मतलब फालतू की चीज़ें हमें लिखनी ही नहीं है जिनके बारे में ना हमें पता है ना हम आंसर कर सकते हैं इंटरव्यू में। क्योंकि इंटरव्यूअर रेज्यूमे के अंदर चाहे आपने हॉबी में बैडमिंटन लिख दिया उसका भी आपसे रूल पूछ सकता है। तो सारी चीज़ों के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रेज्यूमे में जो लाइन आपने लिखी है उसका क्या मतलब है। अब एक्सपीरियंस सेक्शन की अगर पहले बात करें तो मैंने अपनी इंटर्नशिप्स लिखी है कहाँ की, उसमें मेजर चीज़ ये है राइट साइड में मैंने टाइम मेंशन किया है, जिस भी मंथ तक आपने इंटर्नशिप की वो आप मेंशन कर सकते हैं, साथ के साथ उसके बारे में एक लाइन मैंने ज़रूर लिखी है नीचे, एंड किन टेक्नोलॉजीज पर काम किया वो उसके साथ लिख दिया है। अगर आपके रेज्यूमे में और थोड़ी सी स्पेस है तो आप इसको एक अलग बुलेट पॉइंट बनाकर नीचे लिख सकते थे कि किन किन टेक्नोलॉजीज पर काम किया। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास, जिन्होंने मान लीजिए दो इंटर्नशिप्स किए तो उनके पास थोड़ी सी स्पेस आ जाती है रेज्यूमे में, तो वो उस चीज़ को नीचे लिख सकते हैं। अगर आपने एक ही इंटर्नशिप की है तो वो भी आप नीचे लिख सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि हमने तो कोई इंटर्नशिप्स नहीं की तो हम अपने रेज्यूमे में क्या लिखें। अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हैं तो हाँ, वहाँ पर आपके रेज्यूमे में अगर इंटर्नशिप्स लिखी हैं तो वो मैटर करती हैं, तो इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि थर्ड ईयर में कोई इंटर्नशिप करें। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर अपने प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे कर लें। लेकिन अगर आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप पहले से कोई इंटर्नशिप की हो, उस केस में आप अपने प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करें, आप कोडिंग करके थोड़े से प्रोजेक्ट्स बनाएं, आप ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, या फिर कुछ कुछ केसेस में अगर आपको मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऑल दो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही मशीन लर्निंग में चले जाएँ, अनलेस आपकी बेसिक कोडिंग खत्म हो गई है और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो फिर अगर आप उस फील्ड में जा रहे हैं तो मशीन लर्निंग AI से रिलेटेड भी आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। आजकल ब्लॉकचेन बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उस पर आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, तो वो सब आप लिख सकते हैं डिटेल में ताकि उनके बारे में आप अपने इंटरव्यूज में बात कर सके। तो इंटर्नशिप के टाइम पर जो मेजर कंपनीज होती हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, वो इतना एक्सपेक्ट नहीं करती आपसे इंटर्नशिप्स। ऑल्दो आप स्टार्टअप्स के लिए जाएं तो वो एक्सपीरियंस के नाम पर इंटर्नशिप्स आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं, बट मेजर कंपनीज में आप जा रहे हैं तो वो नहीं करती। लेकिन हाँ, अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली एक इंटर्नशिप होना हेल्प करता है। अब एक और चीज़, इसमें जो भी एक्सपीरियंस आप लिख रहे हैं या फिर एजुकेशन सेक्शन में जाने के बाद आप कॉलेज और स्कूल लिख रहे हैं तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, यानी जो चीज़ अभी रिसेंटली हुई है वो सबसे ऊपर आएगी, उससे पहले जो हुई थी वो उससे नीचे आएगी, उससे पहले जो हुई थी वो उससे नीचे आएगी। तो इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में हम चल रहे होंगे और अपनी सारी जो अचीवमेंट्स हैं वो लिख रहे होंगे। अब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको लगता है आपने कोई बहुत अच्छी इंटर्नशिप की थी पर वो एक साल पहले की थी, उसके बाद दो और कर ली, एक और कर ली, या आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जो एक साल पहले बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था पर उसके बाद आपने एक प्रोजेक्ट और बनाया वो इतना अच्छा नहीं है, तो आप उस पुराने वाले इंटर्नशिप प्रोजेक्ट को ऊपर लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आता है हमारा एजुकेशन सेक्शन। एजुकेशन में मैंने अपनी ब्रांच, कॉलेज वगैरह, स्कूल, ये सब मेंशन किया है। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं हमारे मार्क्स इतने अच्छे नहीं है 50-60% के बीच में तो क्या हम वो मेंशन करें। इसमें मेरी एडवाइस ये होगी कि अगर आपके मार्क्स आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं तो आप उनको अपने रेज्यूमे में मेंशन करें, नहीं तो अगर आप उनको छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि कंपनीज जब हायर करती हैं तो मोस्टली कंपनीज आपसे आपकी ट्रांसक्रिप्ट मांग लेंगी या फिर इंटरव्यूज़ में मार्क्स पूछ ले जाएंगे अगर आपका इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड है तो इतनी टेंशन नहीं लेनी आपको कि मार्क्स आपको रेज्यूमे में ऐड ही ऐड करने हैं। अगर आपको लगता है ज़रूरत नहीं है तो मार्क्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनकी मेंस में रैंक बहुत अच्छी आई थी, एडवांस में अच्छी आई थी, अब बोर्ड्स की परसेंटेज बहुत अच्छी थी, कॉलेज की GPA अच्छी है, तो वो उसको अपने रेज्यूमे में ऐड करेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट ही जाएगा आपके इंटरव्यूअर पर। अब उसके बाद मैंने ऐड किए हैं अपने अकेडमिक प्रोजेक्ट्स, आप भी अपने अकेडमिक प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। एंड अकेडमिक प्रोजेक्ट्स के बाद आपको एक दो लाइन उनको डिस्क्रिप्शन के लिए देनी है। अगर आपके पास एक दो प्रोजेक्ट्स हैं और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप अपने प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर सकते हैं, वरना एक दो लाइन्स इनफ हैं।
अब कितने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए आपके रेज्यूमे में? प्लेसमेंट के टाइम पर मेजर 2 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। अगर आपके पास एक तीसरा प्रोजेक्ट भी है जो आपको लगता है अच्छा है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं अपने रेज्यूमे के अंदर। लेकिन इंटर्नशिप्स हैं तो फिर आप 2-3 प्रोजेक्ट्स रखिए। अगर इंटर्नशिप्स नहीं है और इंटर्नशिप्स के लिए जा रहे हैं तो फिर आप 3-4 प्रोजेक्ट्स रख सकते हैं। उस टाइम पर 3 प्रोजेक्ट्स वैसे सफिशिएंट होंगे, प्लेसमेंट के टाइम पर 2 प्रोजेक्ट्स सफिशिएंट होंगे, पर इन प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बात करना आना चाहिए। और स्पेशली अगर आपने कोई टीम में प्रोजेक्ट किया है तो फिर पूरे प्रोजेक्ट में बताने के बाद आपको लिखना चाहिए कि कौन सा काम आपने किया था, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा काम आपने किया था। तो उस टाइम पर ये बोलने की बजाय कि ये वाला पार्ट मेरा जो टीम पार्टनर था उसने हैंडल किया था, हम पहले से ही रेज्यूमे में लिख दें कि इतना इतना पार्ट हमने किया था, इतना इतना पार्ट टीम मेंबर ने किया था, वो फिर अंडरस्टूड हो जाएगा, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम प्रोजेक्ट का जो नाम दें वो कोई रैंडम नाम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई हेल्थ पोर्टल बनाया तो उसका नाम मैंने ईजी मेड दिया, ठीक है, दिस इज़ अ सिंपल नेम, मेड से समझ पा रहे हैं मेडिकल रिलेटेड कुछ होगा, पर मैंने वहाँ पर नहीं छोड़ा, मैंने पूरा नाम दिया दैट दिस इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड हेल्थ केयर पोर्टल। तो आपको अगर कोई छोटा नाम दे रहे हैं तो उसके साथ एक डिस्क्रिप्शन छोटा सा लिख दें 3-4 वर्ड्स का, ताकि इंटरव्यूअर को क्लियर हो जाए कि इस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। अब यही पढ़ते ही क्लियर हो रहा है कि कोई पोर्टल होगा जिसमें डेटाबेस बिल्ड हुआ होगा और उस पर बेस्ड ये एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके की चीज़ें हम कर सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा बहुत सारे रेज्यूमेज में एक स्किल्स नाम का सेक्शन स्टूडेंट्स रखते हैं। इंटर्नशिप के टाइम पर ये सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास दूसरे इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो इस स्किल्स वाले सेक्शन में हम मेंशन कर सकते हैं हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आती हैं, जैसे C++, जावा, पाइथन, SQL, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स वगैरह। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, मशीन लर्निंग, AI, तो आप उसको डेफिनेटली अपने स्किल्स वाले सेक्शन में लिखें। ऑल्दो मेरे टाइम पर मेरे पास इतना स्पेस नहीं था रेज्यूमे में कि मैं स्किल सेक्शन ऐड कर पाऊँ, मुझे लगा कि मेरे जो प्रोजेक्ट्स और मेरी जो इंटर्नशिप्स हैं वहीं से डिस्क्राइब हो रहा है कि मुझे कौन कौन सी स्किल्स आती हैं, इसीलिए मैंने उस सेक्शन को स्किप किया। बट इंटर्नशिप करने अगर आप जा रहे हैं तो आप उस स्किल सेक्शन को रखें। अगर प्लेसमेंट के टाइम पर भी आपके पास स्पेस है रेज्यूमे में तो स्किल सेक्शन को ज़रूर रखिए। उसके बाद बात करें अगर पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो आपके कॉलेजेस में कुछ सोसाइटीज़, कुछ क्लब्स होते हैं या फिर आपकी कुछ हॉबीज़ वगैरह होती हैं, वो आप इस सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब हॉबीज़ के लिए आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स का अलग सेक्शन बना सकते हैं। मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एंड पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को मर्ज कर दिया है। तो आप किसी कॉलेज सोसाइटी के हेड थे, आपने कोई बहुत अच्छा इवेंट कराया था, आप किसी और एक्सटर्नल इवेंट के मैनेजर रह चुके हैं या वहाँ पर आपने काफ़ी अच्छा काम किया, तो वो चीज़ें आप POR में मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ हैकाथॉन्स वगैरह से रिलेटेड काम किया था, या फिर स्टेज सोसाइटी में काम किया था, या फिर एक कोडिंग सोसाइटीज़ की मैं मेंबर थी, तो वो सब मैंने मेंशन किया है। साथ के साथ राइट साइड में मैंने उन सब के लिए डेट्स मेंशन किए। तो डेट्स आप मेंशन करते हैं तो एक क्लियर पिक्चर जाती है कि आपने थर्ड ईयर में क्या चीज़ की, फोर्थ ईयर में क्या चीज़ की, फर्स्ट ईयर में क्या चीज़ की। अब जब भी आप प्लेसमेंट के लिए, इंटर्नशिप के लिए रेज्यूमे सबमिट कर रहे हैं, इंटर्नशिप पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर प्लेसमेंट के टाइम पर रेज्यूमेस में थोड़ा सा देखा जाता है कि क्या आप कंसिस्टेंट रहे अपनी कोडिंग में। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपके प्रोजेक्ट सारे 2 महीने पहले के हैं, आपने पिछले 2-3 साल कुछ नहीं किया। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अपना जो एक्सपीरियंस है उसे स्प्रेड आउट करना है। ऑल्दो एक्चुअली वो होना चाहिए कि 2-3 साल में आपने कभी ना कभी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स या छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हों कोडिंग वर्ल्ड में। अब इसके बाद लास्ट सेक्शन जो मैंने रखा है वो है अचीवमेंट्स का। अचीवमेंट्स वाले सेक्शन में मुझे लगा कि मुझे 2 ही अचीवमेंट्स डालनी चाहिए, जो मैंने ऐड कर दी। एंड इसके बाद गिटहब प्रोफाइल और लिंक्डइन प्रोफाइल को मैं थोड़ा कम हाईलाइट करना चाहती थी, तो उन्हें मैंने एंड में रखा है, इसीलिए मेरी गिटहब और लिंक्डइन एंड में है। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक सिंगल कॉलम रेज्यूमे बनाया है, एंड इस रेज्यूमे का जो टेम्पलेट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि रेज्यूमे में मैंने जो फॉन्ट यूज़ किया है वो हर जगह सेम फॉन्ट यूज़ किया है, साथ के साथ 2 ही कलर्स यूज़ किए हैं, ब्लू एंड ब्लैक। तो ये सबसे क्लासिक प्रोफेशनल कलर्स होते हैं, आप भी सिर्फ इन्हीं दोनों कलर्स तक सीमित रहें तो काफ़ी अच्छा होगा। ज़्यादा हम कलरफुल ना बनाएं अपने रेज्यूमे को, उसे सिंपल, नीट एंड क्लीन रखें, तो वो काफ़ी इजी और रीडेबल रहता है। अब साथ के साथ ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, जैसे आपका ओवरलीफ हो गया या फिर कैनवा हो गया। अब ये इनमें से कुछ कुछ टेम्पलेट्स पेड भी हो सकते हैं, तो या तो आप अगर पे करने की कैपेसिटी में हैं तो फिर आप वहाँ जाकर बना सकते हैं, वरना मैंने जो अपना रेज्यूमे टेम्पलेट बनाया हुआ है ये मैंने गूगल डॉक्स पे सब कुछ फ्री में टाइप करके बनाया है, और इसका टेम्पलेट भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फिर आपको अगर सेम टेम्पलेट पर रेज्यूमे बनाना है तो फिर आप डेफिनेटली उसको बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना
करना चाहते हैं जो थोड़े से ज़्यादा पॉपुलर हों तो आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड आई होप कि इस रेज्यूमे एनालिसिस से हमें कुछ कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी जो हम खुद के रेज्यूमे में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सारी स्किल्स मेंशन करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ अपने इंटरव्यूज देकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।